देखो क्लास 11 मैथ एक्सरसाइज 1.3 है। पहले क्या है इसमें सबसेट किसे कहते हैं, सबसेट क्या चीज है ध्यान दो। यानी समुच्चय बी का, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का भी अवयव है तो समुच्चय बी ए का सबसेट कहा जाता है। इसे क्या पढ़ते हैं आप, सबसेट। क्या पढ़ते हैं, सबसेट यानी उप समुच्चय। बात समझ में आया, क्या है समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, ध्यान दो आप, है ना, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का भी अवयव है, पूरा अवयव है ना ए का, तो समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चय कहा जाता है, बी सबसेट ए, बी ए का उप समुच्चय है। ये बात समझ में आई। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या मतलब हुआ, यानी ए बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू ए, ए अगर बी का अवयव है और ए ए का भी अवयव है तो बी ए का उप समुच्चय कहा जाता है। बात समझ में आया, यानी बी सबसेट ए का मतलब क्या होता है आपका, हाँ यदि यदि ए बी का अवयव है और ए बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू ए देन बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक, चलो आगे देखो, एक समुच्चय ले लिया सी, ठीक है, उदाहरण के लिए बात कर रहा हूँ, सी जो है सेट सी है जिसके अवयव हैं ए बी एफ जी, ध्यान देना सी के प्रत्येक, सी में सी का ए है बी है लेकिन एफ और जी नहीं है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए, सी ए का उप समुच्चय नहीं है। इसे क्या पढ़ते हो, सी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए, यानी सी ए का उप समुच्चय नहीं है। समझ में आई बात, ठीक। हाँ देखो, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, वास्तविक समुच्चय क्या होता है, आर होता है रियल नंबर का, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय, यन क्या है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, आप जानते हैं संख्याएं एक से शुरू होती है और कहाँ तक तो जाती है, अनंत तक। जेड क्या है पूर्णांकों का समुच्चय, माइनस अनंत से लेकर के -3, 2 प्लस अनंत तक, ये क्या है जेड है। क्यू क्या है, ए परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, यक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, पी एन पी क्यू बिलोंग्स टू जेड तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी पी अपॉन क्यू के रूप में परिमेय संख्याएं होती हैं, ये हम लिख सकते हैं। ये जो है क्यू जो है क्या है परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, टी क्या है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है, यक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स क्या है रियल नंबर का जो है अवयव है बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग्स टू रियल आर और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बिलोंग टू क्यू, एक्स क्या है क्यू से परिमेय संख्या का अवयव नहीं है। ये मतलब क्या हुआ कि टी इज इक्वल टू आर माइनस क्यू, रियल नंबर में से परिमेय संख्या घटा देंगे तो क्या मिलेगी हमको, अपरिमेय संख्याएं मिलेगी। तो अब देखो आप, यन प्राकृतिक संख्या पूर्णांकों का जो है उप समुच्चय होता है, यन इज सबसेट ऑफ जेड एंड जेड इज सबसेट ऑफ क्यू, यानी यन और जेड परिमेय संख्याओं के उप समुच्चय हैं, क्यू इज सबसेट ऑफ आर, क्यू जो है यानी परिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय होता है, टी टी इज सबसेट ऑफ आर अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय होता है, लेकिन यन इज नॉट सबसेट ऑफ टी, यन प्राकृतिक संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याओं का उप समुच्चय नहीं होती, यानी यन जो है टी का उप समुच्चय नहीं है। ये मालूम हुआ आपको, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, याद रखना। देखो आप, अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में, ठीक है, क्या है मान लिया ए बी, क्या मान लिया ए बी बिलोंग टू आर, ए बी जो है आर से बिलोंग करती हैं और ए बड़ा है बी से, ए क्या है बी, ए बी से छोटा है, सॉरी
ए बी से छोटा है, तब कह रहा है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जो वास्तविक समुच्चय क्या है, वाई सच दैट ए छोटा है, ए छोटा है वाई से और छोटा है बी से। यहाँ वाई जो है ए के बीच, ए और बी के बीच में है, ठीक है। वाई ए से जो बड़ा है, वाई ए से बड़ा है और छोटा है बी से। वाई सच दैट वाई ए से बड़ा है और बी से छोटा है, क्या कहलाता है, एक विवृत अंतराल कहलाता है। क्या कहलाता है, एक विवृत अंतराल कहलाता है। इसे प्रतीक एस इस रूप में, छोटे कोष्ठक के रूप में इसे लिखा जाता है, प्रतीक ए बी वर्ण लिपित होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी के बीच स्थित, ए और बी के बीच स्थित सभी बिंदु, इतने बिंदु हैं, इस अंतराल में आते हैं, परंतु ए और बी इस अंतराल में नहीं होता, ठीक है। संवृत यानी बंद अंतराल, ये क्या है, वह अंतराल जिसमें अंत बिंदु ए बी है ना, जिसमें अंत बिंदु ए बी भी स्थित होते हैं, यानी ए से लेके बी तक जितने भी बिंदु हैं, ए बी है और उसके बीच जितने बिंदु हैं बी तक, सभी इस अंतराल में आते हैं, इसे क्या कहते हैं आप, बंद अंतराल यानी संवृत अंतराल कहा जाता है। इसे प्रतीक जो है बड़ा कोष्ठक ए बी द्वारा निरूपित होता है। इसका मतलब क्या हुआ, x such that a is smaller or equal to x is smaller or equal to b, यानी x जो है a से बड़ा या बराबर है और b से छोटा या बराबर है। इसका चिन्ह क्या होता है, a पूरा भरा होता है, a से b तक इस निरूपित किया जाता है, और चिन्ह क्या है, ये बड़ा कोष्ठक में ab, ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग, समझ में आया कि नहीं। देखो इस रूप में भी अंतराल होता है आपका, इसका मतलब हुआ कि ए इसमें नहीं है, बी है, ए नहीं है लेकिन बी है, इसका मतलब ए है लेकिन बी नहीं है, इसको इस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। हाँ देखो घात समुच्चय क्या चीज है, ठीक है, घात समुच्चय पावर सेट, समुच्चय के उपसमुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। जो समुच्चय होता है, जैसे मतलब समुच्चय ए है, ठीक है, अब इसके कौन कौन से उपसमुच्चय हो सकते हैं, फाइ सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, अब इसके एक है, एक जो इसका उपसमुच्चय होगा, दो उपसमुच्चय होगा, एक दो उपसमुच्चय होगा, ठीक है। तो समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों के संग्रह को समुच्चय ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए पावर सेट, पावर ऑफ सेट, पावर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है, पावर सेट का प्रत्येक अवयव क्या होगा, एक समुच्चय होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ए इज इक्वल टू टू पावर एम, जहां यह नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एम, जिसे वन टू टू है, और टू टू पावर टू एम इज इक्वल टू टू, या क्या टू टू पावर टू फोर होगा, वन टू थ्री फोर, एन पी ए इज इक्वल टू कितना आया, फोर, ये समझ में आया। आगे देखो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, इसका नाम है यूनिवर्सल सेट, इसमें सभी समुच्चयों के, जितने भी समुच्चय हैं सभी के अवयव इसमें पाए जाते हैं, इसमें यूनिवर्सल सेट में पाए जाते हैं, इसे यू से निरूपित किया जाता है, ठीक है। से मान लो ए है एक दो, समुच्चय ए क्या है, एक दो, बी क्या है, तीन चार पाँच, सी क्या है, तीन पाँच छः सात, तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या होगा, एक से लेक तक ये है, ए क्या है यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर सभी की जो है अवयव है ना, ए है यूनिवर्सल सेट, ये समझ में आया, ठीक है, नोट करो फटाफट।